सिंहासनागता नित्यं पद्माश्री तकृदव्या शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी। दुर्गा पूजा के पांचवें दिन देवताओं के सेनापति कुमार कार्तिकेय की माता की पूजा होती है। कुमार कार्तिकेय को ग्रंथों में सनत कुमार, स्कंद कुमार के नाम से पुकारा गया है। माता इस रूप में पूर्वता ममता लुटाती हुई नजर आती हैं। माता का पांचवा रूप शुभ्र अर्थात श्वेत है। जब अत्याचारी दानवों का अत्याचार बढ़ता है तब माता संत जनों की रक्षा के लिए सिंह पे सवार होकर दुष्टों का अंत करती हैं। देवी स्कंद माता की चार भुजाएं हैं। माता अपने दो हाथों में कमल का फूल धारण करती हैं और एक भुजा में भगवान स्कंद या कुमार कार्तिकेय को सहारा देकर अपनी गोद में लिए बैठी हैं। माँ का चौथा हाथ भक्तों को आशीर्वाद देने की मुद्रा में है। देवी स्कंद माता ही हिमालय की पुत्री पार्वती है। इन्हें महेश्वरी और गौरी के नाम से जाना जाता है। यह पर्वत राज की पुत्री होने से पार्वती कहलाती हैं। महादेव की वामिनी यानी पत्नी होने से महेश्वरी कहलाती हैं। और अपने गौर वर्णों के कारण देवी गौरी के नाम से पूजी जाती हैं। माता को अपने पुत्र से अधिक प्रेम है, अतः माँ को अपने पुत्र के नाम के साथ संबोधित किया जाना अच्छा लगता है। जो भक्त माता के इस स्वरूप की पूजा करते हैं माँ उस पर अपने पुत्र के समान स्नेह लुटाती है। भोले शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माता ने महान व्रत किया। उस महादेव की पूजा भी आदर पूर्वक करें क्योंकि इनकी पूजा न होने से देवी की कृपा नहीं मिलती है।